अस्सलाम वालेकुम कराची बाखबर के साथ, मैं हूँ हमजा अली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिड़ियाघर में। यहाँ पर जो है इस्तांबुल टाइप का जो है यहाँ पर जो अम्ब्रेला जो है लगा दी गई है चिड़ियाघर में। यहाँ नई फूड स्ट्रीट जो है बनाई जा रही है। मुख्तलिफ जो है इकसाम के यहाँ पर जो है खाने पीने की जो है स्टॉल लगाए जाएंगे। 21 दिसंबर से जो है यहाँ पर फूड फेस्टिवल का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें जो है शहरियों की बड़ी तादाद जो है शरीक होगी। चिड़ियाघर के अंदर जो है मुख्तलिफ इकसाम के जानवर भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ के शहरी आकर जो है इस चीज़ को इंजॉय करते हैं। एक नया इन्वेंशन जो है यहाँ पर किया गया है, जो कि चिड़ियाघर के अंदर यहाँ पर शहरियों के लिए एक अच्छी चीज़ जो है लगा दी गई है। यहाँ जो है अम्ब्रेला लगा दिए गए हैं। 450 से ज़्यादा जो है अम्ब्रेला यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि यहाँ पर धूप से बचने के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि शहरी यहाँ पर आते हैं चिड़ियाघर के अंदर, जो कि विज़िट करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। स्कूल के बच्चे आते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे जो है लेकर आते हैं यहाँ पर। फैमिलीज़ आती हैं यहाँ पर, ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े लोग जो है शाम के अवकात में यहाँ पर आते हैं, जो कि अब यहाँ पर जो है फूड फेस्टिवल भी लगने जा रहा है। और यहाँ पर जो है ये अच्छा जो है इकदाम किया गया है, अम्ब्रेला जो है लगाए गए हैं यहाँ पर। इसके अंदर जो है यहाँ पर फूड जो है स्ट्रीट कायम कर दी जाएगी, जो कि यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम की जो है खाने पीने की अशिया भी जो है यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं आब्दा साहिबा, उनसे चल के बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और कराची चिड़ियाघर के अंदर जो हमारी फूड स्ट्रीट बन रही है उस पर आप कवरेज दे रहे हैं। देखें, आपने देखा है कि कराची में बहुत सारी फूड स्ट्रीट हैं ऑलरेडी पहले से मौजूद है, लेकिन चिड़ियाघर में एक यूनिक टाइप की फूड स्ट्रीट होगी। क्योंकि आप आएँगे तो पहले जो है जो भी विज़िटर्स आएँगे पहले जानवरों को भी देखेंगे, उनसे भी महसूस होंगे। यहाँ पर ग्रीनरी है बेतहाशा, उससे महसूस होंगे। और उसके बाद जो है वो फिर कुछ खाने पीने के लिए जो है हमने कराची के जो लोग हैं, कराची के ख़ास तौर पर तफरी के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी जितने भी तफरी के लिए लोग आ रहे हैं, वो हम सब यहाँ पर आएँ। और यहाँ जो हमने फूड स्ट्रीट बनाई है, इसके अंदर हम जो है 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो है एक फैमिली फूड गाला तरतीब दे रहे हैं, जिसके अंदर एक ये होगा कि यहाँ बैठ के जो है लोग खाना जो स्टॉल लगेंगे उनको इंजॉय करेंगे। और इसके अलावा जो आपका सवाल है कि इन छतरियाँ वगैरह का क्या तर्ज़ है, तो ये एक यूनिक स्टाइल है। और ये हम देखा होगा आपने इस्तांबुल वगैरह में इस तरह के स्टाइल बनाए हुए हैं, तो वो ज़रूर आप देखें। और इस तरह का कराची चिड़ियाघर के अंदर भी हमने स्टाइल फूड स्ट्रीट का बनाया है। जी बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल ये सिक्योर है और बिल्कुल सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर लिए गए हैं। और शहरी आएंगे बिल्कुल महफूज तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आकर जो खाने लगे हुए होंगे उनको एंजॉय करेंगे। देखिए, चिड़ियाघर के अंदर मौजूद तमाम जानवर और जितनी भी एसेट्स हैं उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी का निज़ाम मौजूद है, जो इनका पूरा ख्याल रखता है और पूरी तरह हिफाज़त देता है। इसी तरह जो यहाँ पर फूड स्ट्रीट है उनको भी सिक्योरिटी इसी तरह प्रोवाइड की जाएगी। तो ये मेरे अकब में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है एंट्री लगाई गई है यहाँ पर आने के लिए। ये फूड स्ट्रीट में यहाँ पर जो शहरी आएंगे यहाँ पर जो है सिर्फ उन्हीं की जो है एंट्री की जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें जो है वो उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन शहरियों से भी दरख्वास्त यही की गई है कि यहाँ पर जो है गंदगी ना करें,
गंदगी की गलाजत ना करें, क्योंकि यहाँ जो है नया एक तरह का जो है फूड फेस्टिवल होने जा रहा है। ये यहाँ जो है फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है, लेकिन यहाँ के शहरी से भी यही दरख्वास्त की गई है कि यहाँ जो है गंदगी ना करें, क्योंकि एक शहरी जो है वो अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखता है। तो उनसे भी गुजारिश ये है कि जब यहाँ पर आएँ तो यहाँ डस्टबिन लगाए जाएंगे, उसके अंदर जो है कूड़ा करकट जो है उसके अंदर डालें। आगे चलते हैं, शहरियों से भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है, तो मेरे साथ रहिएगा। बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए न्यू एक्सपीरियंस है और वाकई विज़िट करेंगे, एक न्यू पॉपुलेशन है, अच्छा है, ताकि न्यू जनरेशन जो आके जो आती है, बच्चे भी आके बोर हो जाते थे, अब ये है कि उनको इन्जॉयमेंट फील होगा, कलरफुल होते हैं, वैसे भी बच्चों को कलर्स बहुत पसंद होता है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए। काफ़ी हमारी टीम स्कूल है, तो तुम स्कूल की तरफ से आए हो, काफ़ी अच्छा फील, हमारे टीचर्स भी काफ़ी अच्छा फील कर रही हैं। मैं कुछ कहूँगी, मैं तो आई ही अम्ब्रेला देखने के लिए हूँ, अगर फूड स्ट्रीट लग जाएगी तो और अच्छी चीज़ होगा। मैं तो स्पेशली अम्ब्रेला ही देखने आई हूँ, किस तरह की अम्ब्रेला लगाई है। फूड स्ट्रीट लग जाएगी तो और अच्छी बात हो जाएगी, यहाँ पे फूड स्ट्रीट का भी इंतजाम हो जाएगा, अंडर अम्ब्रेला खाने के शौकीन है। देखिए थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अच्छा है, आवाम को थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए, कुछ डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पर। और इस हवाले से ये है कि थोड़ा एक अच्छा लगता है, तो आवाम जब आती है तो इंटरटेन करती है यहाँ पर ना, बच्चों के लिए ये असल में जू तो जो जगह होती है बच्चों के लिए होती है, उन्हीं को इंटरटेन करवाना है, एक अच्छी चीज़ है। जितना ज़्यादा हम यहाँ पर नई नई चीज़ें लेकर आएंगे तो आवाम में थोड़े इंटरटेनमेंट के लिए चाहिए ना चीज़ें, वो अच्छा है हमारे यूथ के लिए भी अच्छा है और चिल्ड्रंस के लिए भी। ये तो बहुत अच्छी बात है, स्पेशली हम लोगों के लिए, कराची वालों के लिए ऐसे होने चाहिए, आप लोगों को करना चाहिए, और बहुत ही खुशाइन बात है, ये सब आएंगे यहाँ इंजॉय करेंगे, और बहुत अच्छी बात है, इसको और आगे से आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा है, बहुत गुड लुकिंग है, और इस तरह की इवेंट होने चाहिए, और ख़ास करके अब यहाँ की हालत देख रहे हैं अब ज़ू की किस तरह ख़राब हो गई है, तो ये शेरों के लिए बहुत अच्छी बात है इस तरह से करना, और देखने में भी अच्छा लग रहा है, और फुल स्ट्रीट बन जाएगी मेयारी तो और मज़ा आ जाएगा। अच्छा लग रहा है। हाँ, ये आपको यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा ही नज़र आया होगा, ये बेसिकली इंस्पायर हुआ है तुर्किश फूड स्ट्रीट से, और अभी इसका लाइक कुछ दिनों में इफ्तिताह हो जाएगा, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग आएंगे, इंजॉय करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एनिमल्स भी उन्होंने जो है वो ओपन कर दिए हैं, देन ताकि आप खाने को जो है वो आप लाइक इन्वायरमेंट आप पूरा इंजॉय करें। सो उम्मीद करती हूँ जो भी आएगा उसको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है, बल्कि एक अच्छा व्यू दे रहा है यहाँ पे एक रेनोवेशन इस तरह की होनी भी चाहिए थी, अच्छा लग रहा है। अब हम लोग अब इसके बाद इतने सालों बाद यहाँ आए सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को देखने के लिए, इसके अलावा ये फूड स्ट्रीट बन जाएगी तो फिर और भी बच्चों के जो अलग अलग फ़न हैं वो और निकल के आएंगे, हमें तो और मतलब एक आने के लिए एक अप्रोच अच्छी है यहाँ पे कि फूड स्ट्रीट भी बन जाए, अम्ब्रेला वगैरह, बच्चे तो बहुत ही खुश होंगे इस चीज़ को लेकर। ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया, अच्छा कर दिया, गार्डन को बड़ा खूबसूरत कर दिया पहले के मुकाबले में,
बच्चे इंटरटेन भी हो रहे हैं इससे और ख़ूबसूरत कर दिया, इस तरह होना चाहिए ताकि तफरी गाँव में ज़्यादा अच्छा हो, बच्चे इंजॉय करें और लोग फैमिली को लेके आए। ये आवाम के लिए एक तफरी की जगह बनाई गई है ताकि आवाम आए, मतलब जो फैमिली डेज होते हैं छुट्टी के, उन दिन अपने बच्चों के साथ आए, इंजॉय करें। और यहाँ फूड स्ट्रीट ओपन होने वाली है इंशाल्लाह, ये बन गई है, ये भी एक आवाम के लिए तफरी की जगह होगी और फैमिली की मतलब इंजॉयमेंट के लिए जगह बन रही है यहाँ भी, और ये मगरब के बाद खुलेगी। और हम उम्मीद करते हैं ये जो इंतज़ामिया है, थोड़े जानवर और ले आए, जानवर कम हैं पहले की बनिस्बत। अच्छी बात है और अच्छा है, इस तरीके से और ज़्यादा मेंटेन करें। वैसे ये मैंने देखा था, मेरे पास भी शो हो रहा था, अच्छा किया। लेकिन अब बस अभी भी इंटरव्यू हुए हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे बाजार तो अच्छा है, फेसबुक पे हमने वीडियो वगैरह देखी थी तो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आया, तो इसलिए आज हम बच्चों को लेकर आए, देखते हैं क्या नज़र आता है इंशाल्लाह। मेरे कप में जो आप देख रहे हैं फूड स्ट्रीट, जो यहाँ से शिफ्ट होगी और आगे जो नया इनका फूड स्ट्रीट बनाया गया है वहाँ पर जाके जो है शिफ्ट हो जाएगी। तकरीबन 8 से 10 जो है फूड स्ट्रीट यहाँ पर बनाई गई हैं, जो कि पुरानी है काफ़ी, इनको जो है नई फूड स्ट्रीट में जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा। देखिए जी, कराची वाले जो है ना हमारे, वो खाने के बहुत शौकीन हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वाब साहब ने ये खूबसूरत फूड स्ट्रीट बना दी है कराची वालों के लिए, जो कि सिक्योर भी है, वन विंडो सिस्टम है, मतलब पार्किंग आपको मिलेगी, साफ़ सुथरे वॉशरूम मिलेंगे, सिक्योर फूड स्ट्रीट मिलेगी, मतलब जिसने खाना खाना है वही आएगा, हर कोई आम आदमी यहाँ से गुजर नहीं रहा होगा। शाम को 6 बजे के बाद से लेकर रात गए तक ये चलेगी कराची वालों के लिए। और ये जो ऊपर हम देख रहे हैं ये तुर्की स्टाइल है, तुर्की की जो फूड स्ट्रीटें होती हैं उनको इसी तरह खूबसूरत सजाया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वाब साहब का कराची वालों के लिए तोहफा है जी, उसको कबूल करें और उसकी हिफाजत करें और उसका ख्याल रखें। यहाँ आके जो हमारे लोग हैं जो कचरा फैलाते हैं उनसे मेहरबानी है, डस्टबिन लगे हुए हैं यार, कचरा डस्टबिन में डालो भाई, इधर हर जगह पर कचरा नहीं फेंको। हम अपने घर में कचरा फेंकते हैं नहीं, तो फिर हमारी गली भी हमारा घर है, हमारा मोहल्ला भी हमारा घर है और ये शहर भी हमारा घर है भाई, तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, इसकी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, यहाँ की खूबसूरती को ख़राब ना करें, कोई चीज़ तोड़ फोड़ ना करें, कचरा ना डालें, ये कराची वालों से गुजारिश है जी हमारी। मेरे कप में आप देख रहे हैं फूड स्ट्रीट के लिए जो है दुकानें यहाँ पर बना दी गई हैं, ये तकरीबन जो है 7 से 8 दुकानें जो है बैक साइड पर है और इसी साइड बैक, इसकी बैक साइड पे भी दुकानें बनाई गई हैं, उसके बाद जो है अंदर दूसरी तरह जो है स्टॉल्स लगाए जाएंगे फूड्स के, खाने पीने के, और यहाँ जो है एंट्री के लिए
ये जो एंट्री की जाएगी, जो कि लिख के लगाया हुआ है, बड़ों का 50 रुपये टिकट है और छोटों का 30 रुपये टिकट है। इसके बाद यहाँ टिकट कराने के बाद यहाँ पर लोग आएंगे। और साथ ही बताऊँ, सबसे पहले आने के लिए आपको यहाँ पर जो है एंट्री के लिए, एंट्री से पहले जो है आपकी पार्किंग का भी ख़ास इंतज़ाम किया गया है इस जो है अम्ब्रेला सिस्टम के फूड के लिए आने के लिए। तो यहाँ पर जो है आप आएंगे पहले और यहाँ पर जो है अपनी बाइक पार्क करेंगे। बाइक पार्क करके जो है इसके बाद यहाँ पर आप पैदल चल के अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद यहाँ पर जो है अपना टिकट लेंगे। टिकट लेने के बाद जो है इस फूड स्ट्रीट को जो है अच्छी तरह से जो है इंजॉय कर पाएंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पर खाने पीने की जो है फूड्स के स्टॉल्स लगाए गए हैं, इसको भी इंजॉय करेंगे। और जिससे जो है शहरी अपनी जो है यहाँ का माहौल को जो है अच्छी तरह से इंजॉय कर पाएंगे।